पूर्वी दिल्ली नगर निगम के पूर्व स्थायी समिति के चेयरमैन व कृष्णानगर वार्ड के निगम पार्षद संदीप कपूर ने कहा कि राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण भयावह स्थिति में पहुंच गया है। अस्पताल में जगह नहीं है, एडमिशन के लिए वेटिंग लिस्ट बनाया जा रहा है। संदीप कपूर ने कहा कि सभी से अपील है कि जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले, जब भी बाहर निकले मास्क लगा कर रखे, इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए जरूरी डॉक्टर की दिशा निर्देश का पालन करें। संदीप कपूर ने कहा कि कृष्णानगर इलाके में 7 नर्सिंग होम है जहां कोरोना संक्रमण का इलाज किया जा रहा है, लेकिन वहां भी वेटिंग लिस्ट है। संदीप कपूर ने कहा कि जिन्हें अस्पताल की जरूरत है नजदीकी नर्सिंग होम में जाकर वेटिंग लिस्ट में नाम दर्ज करा सकते हैं, बेड खाली होते ही उन्हें भर्ती कर लिया जाएगा। नमस्कार साथियों, मैं संदीप कपूर, निगम पार्षद कृष्णानगर। कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, स्थिति बहुत ही भयावह है, लेकिन मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि अपने आप को बचा के रखें, अपने परिवार के जो आसपास आपके लोग हैं उन्हें बचा के रखें, कम से कम बाहर निकलें, मास्क तो ज़रूर डालें, और उसके साथ साथ जो है भाप लेते रहें, गर्म पानी पीते रहें, और भी जो ऐसा कोई काम कर सकते हैं जिसमें प्राणायाम है, एक्सरसाइज है, अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ बना कर रखें। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ बाहर की स्थिति बहुत ख़राब है। अगर मैं सिर्फ कृष्णानगर की बात करूँ, कृष्णानगर में 7 नर्सिंग होम जो है वो कोरोना पॉजिटिव के लिए है। आप चलें तो सूर्या नर्सिंग होम है, श्री राम है, खंडेलवाल है, गणेश है, सिंगल है, गोयल हॉस्पिटल है, स्वास्थ्य है, इन सब हॉस्पिटल्स में कोरोना मरीज ले रहे हैं, लेकिन कहीं कोई जगह नहीं है। एक एक दो दो तीन तीन दिन की वेटिंग है। जिसके भी परिवार के सदस्य की अगर तबीयत आपको ठीक नहीं लगती है तो अपने नज़दीक के नर्सिंग होम में एक बार जाके अपना नाम ज़रूर लिखवा दें कि एक वेटिंग लिस्ट बना लें, क्योंकि ऐसा कोई भी नर्सिंग होम आज पूरी दिल्ली में नहीं है जहाँ आप जाएँ और सीधा आपको एडमिशन मिल जाए। ऑक्सीजन की कमी है, अपने अंदर ऑक्सीजन बनाए रखें, लंबी ब्रीथ लें और कोशिश ये करें कि आपको मेडिकल हेल्प की ज़रूरत कम से कम पड़े, और अपने आप को फिट रखें, क्योंकि इस समय जो हालात है उसमें अपने शरीर पर, अपने आसपास और अपने ऊपर पूरा ध्यान रखें। और